चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। प्रशासन शासन ये सोचे कि कहीं यहाँ से जबरदस्ती कर लेंगे तो यहाँ मर तो जाएंगे, बाकी उठा नहीं। चलो हमारी तो बीच की, पर आगे आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाले बच्चे, उनके भविष्य के बारे में सोचना। गाँव के नज़दीक में रोड है, 2 किलोमीटर तो हमें घूमना पड़ेगा बाईपास पे, और 2 किलोमीटर हमारे खेत हो गए, हम कहाँ काम कर लेंगे जाके खेत में। अरे अब लोग भी तो हम बीजेपी के साथ ही थे, बीजेपी को वोट दे रहे थे, और भाई पुल नहीं बनता तो फिर बहिष्कार करेंगे। और कानून भी नहीं, जब सड़क अधूरी तो टोल चलाने का कानून भी नहीं। धरने को तो भाई हो गए 7 महीने हो जाएंगे 4 तारीख में, आने वाली 4 में, और इस पर जो कार्रवाई चल रही हमारी वो चल रही 3 साल से। अच्छा, जब तक यहाँ से मट्टी भी नहीं पड़ी थी, थोड़ी मट्टी पड़ी, साफ सफाई से कही थी, जब हमें पता चला भाई यहाँ पुल नहीं दे रहे, ये PWD की रोड है 16 किलोमीटर लंबी, जो यहाँ से निकल के और तिता भी निकल जा, ये 6-7 गाँव को जोड़ा है, तो जब यहाँ पता चला भाई पुल नहीं दे रहे, तो हमने यहाँ से रुकावट कर दी, लोगों ने बैठ कर यहाँ से काम रुकवा दिया। 2 साल के करीब हो गए, जब 2 साल के करीब हो गए, उन्होंने एक दिन यहाँ ज़बरदस्ती काम करना चाहा, लोगों ने आकर भाई यहाँ काम रोक दिया, काम फोर्स ले रहे थे काफ़ी, काम रोकने के बाद में बस यहाँ धरना धर दिया। अब धरने पर बैठे भाई, जब तक ये पुल नहीं बनता, अब किसान को तो सियादत पड़ी, 13 महीने वहाँ करा था, अगर यहाँ 13 साल भी हो जाए तो भी नहीं उठेंगे। और अगर प्रशासन शासन ये सोचे कि कहीं यहाँ से जबरदस्ती कर लेंगे तो यहाँ मर तो जाएंगे, बाकी उठा नहीं। चौधरी साहब का भी यही है, चौधरी साहब का हमें पूरा वो है, चौधरी साहब ने कह दिया कि यहाँ एक मुट्ठी रोड़ी, प्रशासन की हिम्मत नहीं, अगर प्रशासन खड़ा होगा यहाँ एक मुट्ठी रोड़ी गिरवा दे, जब तक पुल नहीं मिलता। क्या लग रहा है कि वो कब तक ये धरना और आगे चलेगा? भाई जब लो चलेगा, जब लो पुल नहीं बना, चाहे बनी हो साल भर में, चाहे 2 साल बनी हो, जब लो पुल नहीं बनता, जब लो धरना जारी रहेगा। यहाँ 7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8वां महीना चल जाए, अब क्या करें भाई। चलो हमारी तो बीच की, पर आगे आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाले बच्चे, उनके भविष्य के बारे में सोचना। गांव के नज़दीक में रोड है, बच्चे भी खेलते चले आओ, रोड भी क्रॉस करने लगा, इतनी स्पीड से गाड़ी आओगी ठौ चले जाएगा कोई ना कोई। और भाई कहीं गांव का रास्ता, कहीं गांव के बच्चे स्कूल में यहाँ कुछ जहाँ गुजरो, 24 घंटे का रास्ता, रात को भी चलो, दिन में भी रोड, बहुत बेतुका रोड चलो। अब हम तो यहाँ पुल भी नहीं मांग रहे, भाई पुल दे दो, हम तो पुलिया मांग रहे यहाँ। अरे 20 फुट का 22 फुट का पुल हो, हम तो कहे 15 फुट का दे दो, 16 फुट का दे दो। अगर पुल नहीं बनता है तो कितनी दिक्कतें यहाँ पे होगी, और कितना इस गांव से इस गांव तक जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? कम से कम 2 किलोमीटर घूमना पड़ेगा जी। और खेत भी हो गए, मतलब इन गांव के इधर 2 किलोमीटर तो हमें घूमना पड़ेगा बाईपास पे, और 2 किलोमीटर हमारे खेत हो गए, हम कहाँ काम कर लेंगे जाके खेत में, बताओ। 2 घंटे तो हमें खेत लो जाने में लगेंगे, तो खेत में खेत का तो काम हमारा बंद ही हो जाएगा। अच्छा, देखा जाए किसानों की ही ज़्यादातर ज़मीनें ली गई है हाईवेज बनाने के लिए, अगर वो अपनी एक मांग लेना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं उस पर काम हो पा रहा है? भाई सरकार अंधी है, जबरदस्ती है, जबरदस्ती है सरकार की। जो यहाँ अधिकारी, सब अधिकारी हमें जैनवन समस्या बतावे कि जैनवन समस्या मका जी कहने का, पर वह पर का हमें पता नहीं चलता क्या है भाई। हमें तो जो पता चल रहा था भाई, वो हमारे मंत्री जी कुछ नाराज चल रहे हमारे थे, हमने तो ये भी कहा था भाई मंत्री जी के पैर पकड़ लेंगे हम, तो मंत्री जी के कुछ हम कर लेंगे, मंत्री जी के साथ झंडे टहा के चलेंगे, मंत्री जी आ जाओ यहाँ। अब मंत्री जी 3 बार यहाँ को निकल चुके, 3 बार निकल चुके यहाँ से, 50-50, 70-70 आदमी यहाँ बैठे। संजीव मालियान जी, हाँ, प्रोग्राम करा था एक यहाँ से, यहाँ धरने पर नहीं आए हम, यहाँ माड़ा लियो बैठे रहे, बर्फी मंगवा के बैठे रहे, वह बर्फी भी सूख गई, माड़ा भी सूख गई, मंगवा मंत्री जी आओगे स्वागत करेंगे। अभी खेड़ी एक प्रोग्राम में गए होंगे, वहाँ शादी वादी में हम भी जाते रहे, हमारे भी अक्सर बहुत लोगों का, तो जब भी यहाँ को गए थे
संकल्प यात्रा किसी तीसरी थी उसमें भी आए थे, जब भी हंकु गए बाकी उन्होंने आज ले हानू नहीं पूछा भाई तुम मरोग जी वो क्या करो क्यों बैठे यहाँ। हमने भाई रिंदे से बात करी, उन्होंने कहा चलो भाई हम करवाऊंगे कोशिश करेंगे, हम उसके पीछे लग लिए। भाई हम तो यहाँ से अनपढ़ आदमी बैठे हैं, सोचिए जो भी हमें कह दे उसी के पीछे लग लें। अब वे कहें सर राजनीति की राजनीति राजनीति, अरे अब लोग भी तो हम बीजेपी के साथ ही थे, बीजेपी को वोट दे रहे थे, अरे भाई पुल नहीं बनते तो फिर बहिष्कार करेंगे। कब तक आपका यहाँ पर बैठने का, क्योंकि जब लो पुल नहीं बनता चे मर जाए इसी 5-7-10। लगेंगे तो चुप दिए तो नेक्स्ट दिन।